हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ school.com। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 2v को डिस्कस कर लिया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलीनोमियल को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल से रिलेटेड वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। रिलेशन बिटवीन, इसके बीच में रिलेशन पढ़ रहे हैं जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में, किसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है। लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक में दो जीरोस होते हैं, क्यूबिक में कितने जीरोस होंगे, तीन होंगे। तो लिखेंगे इफ अल्फा बीटा, और थर्ड जीरो को लिख लेते हैं गामा, अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ, इसके जीरो है ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पीएक्स, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल पीएक्स के जीरो है। देन सम ऑफ जीरोस, तीनों जीरोस का सम, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होने वाला है माइनस वी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस वी बाई ए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से मतलब, यहां मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, एक बार में कितने लेके, दो जीरोस लेके। देखिए ध्यान से लिखा गया है सम, सम करना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, कितने जीरोस लेके प्रोडक्ट करना है, टेकन टू एट ए टाइम, दो जीरोस ले लेके उनका प्रोडक्ट करना है और उनका क्या करते हैं, सम कर देना। तो अगर हमने अल्फा बीटा गामा तीन जीरोस है तो पहले हमने अल्फा बीटा ले लिया, अल्फा बीटा फिर बीटा गामा ले लिया, बीटा गामा और फिर गामा अल्फा ले लिया, तो गामा अल्फा, तो ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू जीरोस एट अ टाइम, ठीक है। तो ये होता है आपका सी अपॉन ए, क्लियर। लास्ट रह गया हमारा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऑफ जीरोस, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू होगा माइनस डी वाई। जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में सीखा था कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस वी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, यहां सीखना है आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस वी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है सी बाई ए, और तीनों जीरोस का प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा गामा होता है माइनस डी बाई ए। तो ये मुझे लगता है आप लोग समझ पाए होंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। ये कह रहे हैं वेरीफाई 3 माइनस 1 माइनस 1 बाई 3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू, इस पॉलीनोमियल के क्या है, ये जीरोस है। तो सबसे पहले फर्स्ट में हमें दे रखा है, गिवन है पी एक्स की वैल्यू दे रखी है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, और ये कह रहा है कि वेरीफाई करिए 3 इसका जीरो है, अगर 3 इसका जीरो होगा तो पी3 की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो हम निकाल के देखते हैं, नाउ
थ्री इंटू थ्री का क्यूब माइनस फाइव इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस इलेवन इंटू थ्री माइनस थ्री। थ्री इंटू थ्री का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस ये कुल मिला के 81 हो जाएगा ना, 27 थ्री जा 81 तो ये हो जाएगा 81 माइनस थ्री का स्क्वायर 9 फोर जा वो 9 फाइव जा 45 माइनस 11 थ्री जा 33 माइनस थ्री ये हो जाएगा 81 माइनस 81 जो कि जीरो के बराबर आ जाएगा। एंड अब हमें ये भी दिखाना कि माइनस वन भी इसका जीरो है तो एंड हम निकालेंगे पी माइनस वन निकालेंगे। पी माइनस वन जैसे ही निकालेंगे तो थ्री इंटू माइनस वन का होल क्यूब माइनस फाइव इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस इलेवन इंटू माइनस वन माइनस थ्री तो ये हो जाएगा थ्री इंटू माइनस वन का होल क्यूब माइनस वन हो जाएगा। माइनस फाइव इंटू माइनस वन का स्क्वायर करोगे प्लस वन आएगा माइनस माइनस प्लस इलेवन माइनस थ्री तो ये हो जाएगा माइनस के थ्री माइनस के फाइव माइनस के एट प्लस का इलेवन माइनस का थ्री इलेवन माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो ठीक है ना। एंड पी माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री निकालिए माइनस वन बाई थ्री लगाना है पी में तो लगाइए थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री का होल क्यूब माइनस फाइव इंटू माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस इलेवन इंटू माइनस वन बाई थ्री माइनस थ्री तो हो जाएगा थ्री इंटू माइनस वन का क्यूब माइनस वन हो जाएगा अपॉन थ्री का क्यूब 27 हो जाएगा माइनस फाइव माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा अपॉन थ्री का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 11 बाई थ्री माइनस थ्री तो देखिएगा थ्री से 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा कुल मिला के आपको यहां मिलेगा माइनस वन बाई नाइन माइनस फाइव बाई नाइन प्लस 11 बाई थ्री माइनस थ्री ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं माइनस वन बाई नाइन माइनस फाइव बाई नाइन माइनस का हो जाएगा 6 बाई नाइन प्लस का 11 बाई थ्री। अब एलसीएम लोग क्या करें 11 बाई थ्री और थ्री का तो ये हो जाएगा 11 माइनस नाइन 11 माइनस नाइन अपॉन थ्री तो ये मिलेगा आपको माइनस सिक्स बाई नाइन है जिसे लिख सकते हैं माइनस टू बाई थ्री ये भी टू से कैंसिल आउट हो जाएगा वो थ्री हाँ थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा ये भी थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का टू बाई थ्री ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे कुल मिला के जीरो आ गए। आपने देखा थ्री लगाया तब भी जीरो आया माइनस वन लगाया तब भी जीरो आया माइनस वन बाई थ्री लगाया तब भी जीरो आया। सिंस पी थ्री इज इक्वल टू जीरो पी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड पी माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो तो क्या हुआ देन थ्री माइनस वन एंड माइनस वन बाई थ्री आर द जीरोज ऑफ पी एक्स किसके जीरोज हैं पी एक्स के वेरीफाई तो हो गया ये जीरोज हैं। आगे भी इस क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। अब आपको क्या करना है वेरीफाई करना है किसको रिलेशनशिप को जीरो और कोफिशिएंट के को तो सबसे पहले हम बात करते हैं हियर ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स क्यूब कोफिशिएंट कितना दे रखा है थ्री दे रखा है वी इज इक्वल टू वी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस फाइव सी जो है सी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दे रखा है माइनस इलेवन सिमिलरली डी की वैल्यू दे रखी है माइनस थ्री। अब आपको वेरीफाई करना है किसको रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट को कैसे करेंगे देखिएगा नाउ सम ऑफ जीरोस करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा अल्फा की वैल्यू यानी कि इन जीरोस को अपने एक एक करके अल्फा बीटा गामा मान लिया लिख सकते हैं आप लेट अल्फा इज इक्वल टू सबसे पहला जीरो जो था कितना है थ्री और बीटा इज इक्वल टू माइनस वन और गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री। तो ना सम ऑफ जीरोस करेंगे सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा देखिएगा अल्फा की वैल्यू थ्री बीटा की वैल्यू माइनस वन और गामा की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री
कुल मिला के आपको पता है 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2 माइनस 1 बाई 3, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई 3, 3 टू जा 6 माइनस 1 5 बाई 3, इसे लिख सकता हूं मैं। मुझे चाहिए, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को मुझे प्रूफ करना है, माइनस वी बाई ए, बिल्कुल क्वाड्रेटिक की तरह ही हम यहां बात करेंगे। माइनस वी बाई ए का मतलब क्या, माइनस चाहिए, माइनस तो है नहीं तो मैं इसमें डबल माइनस लगा दूंगा, यानी माइनस माइनस प्लस होता है तो डबल माइनस लगा दिया हमने अपॉन 3, तो माइनस ये हो गया v, माइनस 5 किसकी वैल्यू देखिए, माइनस 5 b की वैल्यू है, अपॉन 3 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, और इसे लिख सकते हैं माइनस कॉफिशियंट ऑफ x अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स का, तो ये आ गया आपका। सिमिलरली क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी ये हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 3 और माइनस 1 का प्रोडक्ट करोगे माइनस 3 आएगा, प्लस वीटा गामा, तो वीटा और गामा का प्रोडक्ट करोगे माइनस 1 का माइनस 1 बाई 3 से करोगे तो कुल मिला के 1 बाई 3 आएगा, प्लस गामा अल्फा, तो गामा माइनस 1 बाई 3 का 3 से करोगे तो कुल मिला के माइनस 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 और माइनस का 3 है तो माइनस का तो हो जाएगा 4, प्लस का 1 बाई 3, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, माइनस का 12 प्लस का 1 यानी माइनस का 11 बाई 3, और माइनस 11 देखिए किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है, सी बाई ए, और सी क्या है, यहां आप लिखेंगे कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो आपका वी था कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, और यहां लिखेंगे कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, यहां सी को लिख देंगे कॉफिशियंट ऑफ ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, क्लियर। अब आ जाते हैं लास्ट जो हमारा बचा है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे, पहला जीरो है हमारा अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू माइनस 1 है, और गामा की वैल्यू माइनस 1 बाई 3 है, ठीक है ना, ये कुल मिला के आपको दिख रहा होगा, इसे लिख सकते हैं हम 3 बाई 3, लेकिन हमें पता है माइनस डी बाई ए बनाना है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस चाहिए, तो मैं लिखूंगा माइनस 1 को अलग लिख लिया और माइनस 3 बाई 3, और इसे लिख लूंगा मैं माइनस, ये माइनस 3 किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है, अपॉन ये किसकी वैल्यू है, 3 ए की वैल्यू है, और नेक्स्ट लाइन में हम इसे लिख सकते हैं माइनस डी, तो माइनस डी किसकी वैल्यू है, कॉन्स्टेंट अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यू, क्लियर हुआ। तो ऐसे रिलेशन वेरीफाई करने, क्वाड्रेटिक में हमने रिलेशन वेरीफाई करना सीखा था, क्यूबिक में आप भी आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे दोबारा मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड है वो क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, इफ वन जीरो इज इक्वल टू द अदर, अगर एक जीरो दूसरे के इक्वल है बट विद अपोजिट साइन, लेकिन साइन कैसे है, अपोजिट है, तो देखिए सबसे पहली बात है जीरो, एक जीरो दूसरे के इक्वल तो है लेकिन अपोजिट साइन है, तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा, तीन जीरो होते हैं अल्फा बीटा गामा, तो एक को अल्फा मान लिया, दूसरा होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग माइनस अल्फा, और तीसरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, क्लियर, समझ आया आपको, ठीक है। तो देखते हैं पीएक्स जो दे रखा है हमें, पीएक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस के 16x प्लस के 80, क्या लिखेंगे आप, लेट द जीरोस आर, एक अल्फा दूसरा इसका अपोजिट साइन का होगा लेकिन इक्वल होगा माइनस अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना, देन सम ऑफ जीरो लगाएंगे आप, सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना माइनस अल्फा, प्लस गामा की जगह कितना है बीटा, इज इक्वल टू माइनस वी बाई ए होता है ना,
अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी, वी की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव, माइनस माइनस फाइव अपॉन ए की वैल्यू कितनी है वन, तो वीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कुल मिला के फाइव। ठीक है, तो ये मिल गया सम ऑफ जीरोस। अब क्या निकालेंगे, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा, तो बीटा की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा, तो बीटा की जगह माइनस अल्फा, गामा की जगह बीटा प्लस गामा, अल्फा होता है तो गामा का मतलब बीटा और अल्फा का मतलब अल्फा, इज इक्वल टू होता है सी अपॉन, देखिएगा ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा से प्लस अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, सी की वैल्यू माइनस 16 अपॉन वन, तो अल्फा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, अल्फा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, एंड अल्फा कितना गया प्लस माइनस 4, अल्फा मिल गया बीटा मिल गया, तो अब क्या लिख सकते हैं, तो हेंस द जीरोस आर, हेंस द जीरोस आर क्या होंगे, पहला है अल्फा, अल्फा की वैल्यू आप 4 भी ले सकते हैं या माइनस 4 भी ले सकते हैं, तो अगर आपने अल्फा की वैल्यू ले ली 4, दूसरा है माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू अगर 4 लिए तो माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 4, एंड बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी है 5, और या क्या हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, अगर आपने अल्फा की वैल्यू माइनस 4 ले ली तो क्या हो सकते हैं माइनस 4, फिर माइनस अल्फा क्या हो जाएगा प्लस का 4, एंड बीटा की वैल्यू तो 5 रहेंगे। तो दोबारा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन था, ये कह रहा था कि px ये रैंक है और इस पॉलीनोमियल में एक जीरो दूसरे के इक्वल तो है लेकिन साइन में कैसा है अपोजिट है, हमने एक अल्फा मान लिया दूसरा माइनस अल्फा होगा, तीसरा बीटा मान लिया, सम ऑफ जीरो लगाया अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह माइनस अल्फा प्लस गामा, गामा की जगह बीटा इज इक्वल टू माइनस वी वाई, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, वी इज इक्वल टू माइनस, वी की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, बीटा बराबर आ गया प्लस 5, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा बीटा, बीटा की जगह माइनस अल्फा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा लगाया हमने, माइनस अल्फा बीटा से प्लस अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो गया, माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा सी बाई, सी की वैल्यू कितनी है माइनस 16, तो माइनस 16 बाई 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर आ गया 16, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4, तो हेंस द जीरोस आर, अगर हमने अल्फा की वैल्यू प्लस 4 ले ली तो जीरोस क्या हो जाएंगे 4 माइनस 4 5, और अल्फा की वैल्यू हमने क्या ले ली माइनस 4 ले ली, तो माइनस 4 लेंगे तो माइनस 4, और दूसरा माइनस अल्फा है तो माइनस प्लस 4 एंड 5, तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरोस फाइंड करने हैं पॉलीनोमियल के, px इज इक्वल टू 2x क्यू माइनस 15x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 30, ये कह रहा है px की वैल्यू ले दे रखी है, और इफ जीरोस ऑफ px आर a माइनस b, a और a प्लस b जीरोस दे रखे हैं, तो अब आपसे कह रहे हैं जीरोस फाइंड कर, यानी a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें जीरोस तो पता ही चल जाएंगे, तो सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, गिवन क्या है px is equal to 2x cube minus 15x square plus k 37x minus 30, ठीक है ना, ये px दे रखा है, आगे क्या दे रखा है a minus b, a और a plus b क्या है zeros है, since a minus b, a और a plus b are the जीरोस ऑफ px, किसके जीरोस है px के, ये px के जीरोस दे रखे हैं, तो देन क्या होगा सम ऑफ जीरोस, आप जानते हैं क्या होता है सम ऑफ जीरोस, पहला जीरो क्या होगा a माइनस b प्लस
अल्फा हो गया प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है ए, प्लस गामा, गामा की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी, सम ऑफ जीरोस ये हो जाएगा माइनस बी। अब देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल ए स्मॉल बी यूज हो रहा है तो स्मॉल ए स्मॉल बी तो लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे सिर्फ कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए, या डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां वैल्यू लगाइएगा माइनस बी, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस 15 हो जाएगा अपॉन ए, ए कितना है 2 है। देखिएगा ध्यान से ए प्लस ए प्लस ए 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 15 अपॉन 2, तो 3 से 15 को काटोगे 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5 बाय 2, a की वैल्यू मिल गई। v की अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरोस मिल जाएंगे। अब b की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, एंड हम डायरेक्ट लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाने की कोई जरूरत है नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाएंगे पहला a माइनस बी, दूसरा a, तीसरा a प्लस बी, क्या होता है ये माइनस डी वाई ए, यही होता है। अब देखिए यहां मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का a प्लस बी से करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा इंटू ए आएगा इज इक्वल टू माइनस डी, डी की वैल्यू कितनी दिख रही है आप लोगों को, डी की वैल्यू दिख रही है माइनस 30, तो माइनस 30 अपॉन ए की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 2 दिख रही है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए की वैल्यू आप लगा सकते हैं 5 बाई 2, तो 5 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू ए, ए की वैल्यू 5 बाई 2 लगाएंगे आप इज इक्वल टू 30 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 5 से ये 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिला के आपको यहां से 25 अपॉन 4 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 6, जब इसे 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 25 अपॉन 4 माइनस 6, एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 25 माइनस 24 1 बचेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 4, तो दिस इंप्लाइज दैट वी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई 2, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 1 बाई 2, तो सबसे पहले लिखेंगे इफ v इज इक्वल टू अपने 1 बाई 2 ले लिया देन जीरो क्या होंगे, पहला जीरो है a माइनस बी, तो a की वैल्यू कितनी है 5 बाई 2, b की वैल्यू कितनी ले ली अपने 1 बाई 2, तो 5 बाई 2 में से 1 बाई 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 बाई 2, देखिए ना आपको करना है a माइनस बी, तो a की वैल्यू 5 बाई 2, b की वैल्यू माइनस वो b की वैल्यू 1 बाई 2, तो कुल मिला के हो जाएगा 4 बाई 2, यानी कि कुल मिला के 2। दूसरा दूसरा जीरो हमारा a और a की वैल्यू कितनी है 5 बाई 2, एंड तीसरा जीरो है a प्लस बी, तो a प्लस बी वाला a प्लस वी, a की वैल्यू 5 बाई 2 प्लस b की वैल्यू 1 बाई 2, तो 6 बाई 2 हो जाएगा, 6 बाई 2 का मतलब हो जाएगा कुल मिला के 3 या 5 बाई 2, ठीक है। और एंड इफ b इज इक्वल टू आपने ले लिया माइनस 1 बाई 2 देन जीरो था, क्या हो जाएंगे जीरो a माइनस बी था, a माइनस बी, तो a की वैल्यू 5 बाई 2 माइनस बी की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 कुल मिला के 6 बाई 2, 6 बाई 2 का मतलब 3 a माइनस बी, फिर a है a का मतलब 5 बाई 2 एंड a प्लस बी है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये आपके जीरो आ चुके हैं, ठीक है आप इसे नोट कर सकते हैं। अब जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें कह रहा है फाइंड ए क्यूबिक पॉलीनोमियल हूज जीरोस आर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा जिसके जीरोस हैं, क्यूबिक पॉलीनोमियल फाइंड करनी है जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दे रखा है, और क्या दे रखा है अल्फा बीटा गामा दे रखा है। तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्मेशन का रूल सीखा था वैसे ही है फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल, किसका फॉर्मेशन करना है क्यूबिक पॉलीनोमियल का, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल देन
पीएक्स जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स होगा और प्लस वो माइनस अल्फा बीटा का। ये किसका रूल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का परमिशन का रूल है। क्या है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर है, गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू फोर, ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू वन, ठीक है ना, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ठीक है। तो देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, पी एक्स मान लेते पॉलिनोमियल क्या, पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, फोर है एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, वन है इंटू एक्स माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस सिक्स है। तो ये कुल मिला के हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स। तो ये आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल चुकी है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों को एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, इसमें कह रहा है कि px की वैल्यू ये दे रखी है, वी ए पॉलिनोमियल फाइंड द कंडीशन दैट मस्ट सेटिस्फाइंग द सेटिस्फाइड बाय इट्स कोफिशिएंट व्हेन, ये कह रहा है कि कोफिशिएंट के बीच में क्या कंडीशन बननी चाहिए अगर px की वैल्यू ये है, और कब, जब इट्स जीरोस आर a माइनस b a और a प्लस b है, पहली कंडीशन। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, ठीक है ना, 5 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं लोग। अब फर्स्ट पार्ट में जो जीरोस दे रखे हैं वो क्या है, a माइनस बी ए और प्लस बी, सिंस जीरोस आर a माइनस बी ए ए प्लस बी, ये तो जीरोस हो गए आपके, देन सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, कैपिटल इसीलिए लिखेंगे, स्मॉल ऑलरेडी क्वेश्चन में आ रहा है, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, थ्री ए इज इक्वल टू माइनस बी, वी की वैल्यू देखिएगा क्वेश्चन में आपके पास दिख रहा है माइनस पी, तो माइनस माइनस प्लस का पी, वाई ए की जगह कितना है, वन है, तो ए बराबर मिल गया पी आपको, तो यहां से वो थ्री ए बराबर पी मिल गया, ए बराबर कितना हो जाएगा, पी वाई थ्री, ठीक है, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, टेकन टू एट ए टाइम, एक बार में कितने लेते हुए, दो लेते हुए, क्या होगा, अल्फा बीटा यानी a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे से a से प्लस
वीटा गामा यानी ए का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए प्लस बी से, प्लस गामा अल्फा यानी ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी से, इज इक्वल टू हो जाएगा इसके होगा सी वाई ए के। देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस ए बी, वो ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना दिख रहा है मैं, थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू दिख रहा है वो Q अपॉन A की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 1, दिस इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा यहां से हमें, 3 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू Q, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3 A स्क्वायर माइनस Q, तो 3 A स्क्वायर A की वैल्यू कितनी है p/3 का होल स्क्वायर माइनस Q, तो यहां से V स्क्वायर बराबर मिल जाएगा हम लोगों के पास, कितना मिल जाएगा 3p² अपॉन पावर 2 है तो 9 होगा, माइनस q, 3 से 9 को कैंसिल आउट करोगे 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका v² इज इक्वल टू p² अपॉन 3 इंटू वो माइनस q, ये v² की वैल्यू मिल गई। एक और कंडीशन आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा लेंगे, आप लोग सोच रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, सारी चीजें क्या डिस्कस करने वाले क्वेश्चन में, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा था देन फाइंड द कंडीशन मस्ट बी सैटिस्फाइंग बाय इट्स कोफिशिएंट, यानी कि इनके कोफिशिएंट के बीच में कंडीशन क्या बनेगी, कोफिशिएंट कौन है, पी क्यू आर के बीच में क्या कंडीशन बनेगी, तो हम पी क्यू आर के बीच में एक कंडीशन या एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने दो कंडीशन लगा चुके हैं, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, पहला जीरो होगा आपका a माइनस बी, दूसरा a, तीसरा a प्लस बी इज इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब a की वैल्यू कितनी है आपके पास p बाई 3, तो स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है आपके पास बी स्क्वायर की, पी स्क्वायर बाई 3 माइनस क्यू, दोबारा देखिएगा आपने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू पी बाई 3 का स्क्वायर करने पी स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी की स्क्वायर की वैल्यू लगा दी इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है पी बाई 3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है माइनस डी बाई, और माइनस डी की वैल्यू आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में ही आर है, माइनस आर है तो माइनस माइनस प्लस आर वाई ए की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहां से आप जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहां मिलेगा आपको पी स्क्वायर बाई 9 है माइनस पी स्क्वायर बाई 3 है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 9, 9 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स होगा पी स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स हो जाएगा 3 से ये डिवाइड हो जाएगा आपका q का भी एलसीएम ले लेता हूं मैं, सबका ही एलसीएम ले लेता हूं, 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, 1 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, 9 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q हो जाएगा, ठीक है ना, इनटू py 3 इज इक्वल टू हो जाएगा r के, ठीक है, तो ये कंडीशन जो बनेगी इसमें ये हो जाएगा आपका, देखो पी स्क्वायर माइनस कितने पी स्क्वायर है 3 पी स्क्वायर, तो माइनस के 2 पी स्क्वायर प्लस 9 क्यू इनटू में चल रहा है आपको पता है कितना पी इज इक्वल टू 9 3 27 27 आर, तो यहां एक और कंडीशन बन जाएगी आपकी, पी का अगर मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 9, ये सबको ही ट्रांसफर कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 2pq है उधर जाके प्लस का 2pq हो जाएगा 2pq, और प्लस के कितने हैं 9pq है pq है तो उधर जाके माइनस का 9p * q और प्लस का 27r = 0,
जीरो, ये आपको कंडीशन मिल चुकी है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब सेकंड कंडीशन की बात करेंगे हम, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड कंडीशन की बात है। तो देखो सबसे पहले px तो सेम ही दे रखा है दोनों में, कितना है x क्यूब माइनस px स्क्वायर प्लस qx माइनस r। अब इसमें सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है, द सम ऑफ इट्स 2080, दो जीरोस का सम जीरो है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा दो जीरो, वो तीनों जीरोस हैं, लेट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ पीएक्स, देन लेट कर लिया दो जीरोस का सम क्या है जीरो है, तो गिवन है सम ऑफ टू जीरोस इज इक्वल टू जीरो। तो लेट कर लिया हमने कौन से दो दो जीरो का जीरो सम हो जाएगा, अल्फा और बीटा का मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है किसके जीरो के, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से देख सकते हैं हम लगा सकते हैं बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है ना, ये कंडीशन मिल गई हमारी फर्स्ट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जैसे लगाएंगे तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस वी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो है प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस वी, वी की जगह कितना माइनस पी, तो माइनस माइनस प्लस पी बाई ए की जगह वन, तो यहां तक गामा इज इक्वल टू मिल गया आपको, कितना मिल गया गामा इज इक्वल टू पी। एंड और क्या लगाने वाले हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा लीजिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है ना, कितना होता है ये सी बाई ए होता है, तो ये हो जाएगा देखो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू कितनी दिख रही है क्यू बाई ए की वैल्यू दिख रही है वन, माइनस अल्फा गामा से प्लस अल्फा गामा कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, तो यहां से अल्फा स्क्वायर आ जाएगा माइनस क्यू, ठीक है ना, ये हो जाएगी हमारी थर्ड, और ये हमारी सेकंड डाल सकते हैं इसे गामा की वैल्यू जो निकाली है सेकंड, ठीक है। तो अब हमें करना ही है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई ए, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी माइनस अल्फा, गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए माइनस डी, डी की वैल्यू कितनी दिख रही है आप लोगों को माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस आर अपॉन ए की वैल्यू वन, माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू दिखी या माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस क्यू इंटू गामा की वैल्यू कितनी है पी इज इक्वल टू दिख रहा है आर के, ठीक है ना, तो यहां से आपको मिल जाएगा इधर इसे इधर या इसे इधर ही रख दीजिए माइनस माइनस प्लस पी क्यू इज इक्वल टू आर, ये भी आपको एक कंडीशन मिल चुकी है, ठीक है ना, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, और साथ के साथ समझिए आपके सारे एग्जांपल डिस्कस हो चुके हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के, जो भी एक्सरसाइज में आपको डाउट्स मिलते हैं तो आप करेंगे, और जो भी डाउट्स मिलते हैं आप उनको शेयर कर देंगे, मैसेज कर देंगे मुझे, मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको डिस्कस कर लूंगा।